सलीना, तुम्हारी माँ चली गई और साथ में दुआ को भी लेकर चली गई। क्या कह रही हो खाला? हाँ, बाहर का दरवाजा खुला, मैंने पूरा घर देख लिया। अम्मा, अम्मा, चली गई ये दोनों। उठ। अम्मा, अम्मा, अम्मी मैंने कहा था ना, ये अम्मा जी की खामोशी को बहुत बड़ा तूफान लाएगी। कुछ अंदाजा है किस वक्त से गायब है वो? अरे भैया, मुझे इसका क्या अंदाजा। मैं उठ के जब बावर्ची खाने में गई तो कोई भी नहीं था, बाहर जाके देखा तो दरवाजा पूरा चौपट खुला हुआ था, वो और दुआ घर पे ही नहीं थी। माँ, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मारो वैसे मेरा मोबाइल लाके दो। कॉल काट दी अम्मा ने। मैंने काटी, घर पे ही छोड़कर गई अपना फोन। फोन दो मुझे। वैसे दुआ हमारे सामने कैसी मीसड़ी बन के रहती थी ना, लेकिन अंदर ही अंदर दादी पोती पता नहीं क्या मंसूबे बना रहे थे भाई। और क्या अम्मी, मैं तो दुआ को मुतमईन देख के बेफिक्र हो गई थी कि अब अम्मा जी और कोई रुकावट नहीं डालेंगे। अम्मा ने आखिरी कॉल कल रात दुआ की मैडम को की थी। तो कल वो दुआ की एक मैडम आई भी तो थी घर पे, वो शाजिया। तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? जरूर उसी ने अम्मा को कोई पट्टी पढ़ाई होगी। बात करता हूं अभी उससे। नंबर बन जा रहा है उसका, जरूर उसी को पता होगा अम्मा का। तो सईद, अगर आपको घर का पता है उनके, तो मैं चलती हूँ आपके साथ। सईद अभी इतना बेबस नहीं हुआ है कि अपनी माँ और बेटी को तलाश करने के लिए तुम्हारी मदद लेगा। उसके घर में घुसकर अम्मा और दुआ को निकालूंगा। घर मालूम है उसका तुम्हें? हाँ, इतना मालूम है कि असमत के घर के कहीं आसपास ही रहती है। जाके देखता हूँ अभी।